हाथ लागी करे सब प्रीति। हैदरगढ़ क्षेत्र के खरस्तिया गांव में चल रही साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के पंच दिवस पर श्री कृष्ण जन्म की कथा के उपरांत एक अद्भुत झांकी प्रस्तुत की, जिसमें 5 महीने के पुत्र को श्री कृष्ण की छवि के रूप में प्रतिरूप श्री वासुदेव जी ने टोकरी में उठाकर सर पर उठाए हुए मंच पर आए व सभी श्रद्धालु दर्शन कर मंत्रमुग्ध हो गए व कथावाचक के भजन पर झूम उठे। वृंदावन मथुरा से पधारे कथावाचक कथा के दौरान अपने मुखारविंदों से कहे छंदों व कविता के माध्यम से घर परिवार समाज को आईना दिखाते हुए कहा, सुर नर मुनि जन की है रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। अर्थात देवता मनुष्य व संत सभी की यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सारी प्रीति करते हैं। स्वार्थ का अर्थ है स्व प्लस अर्थ, मतलब स्वयं का हित करना। स्वार्थ 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम किसी को लाभ पहुंचाते हुए अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, द्वितीय किसी को हानि पहुंचाते हुए स्वार्थ की पूर्ति करना। इसमें प्रथम स्वार्थ उच्च कोटि व द्वितीय स्वार्थ निकृष्टिका की श्रेणी में आता है। इसी परिणाम स्वरूप किसी को नुकसान पहुंचाकर जो व्यक्ति अपना हित चाहता है वह स्वयं अपने लिए दुख के बीज बोता है। स्वार्थी सभी हैं, यह मनुष्य का गुण है। यदि स्वार्थ नहीं होगा तो कर्म भी नहीं होगा और हम सभी कर्महीन आलसी हो जाएंगे। केवल परमपिता परमात्मा ही एक है जो सभी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, वह अपनी कृपा सबको बराबर देते हैं। बताते चले, परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई अन्य जिन्हें हम अपना परिवार, अपनी माँ, पिता, भाई बहन, पत्नी, वो भी तुम सभी से अपना स्वार्थ देखते हैं। जिस पर राजा अकबर के दरबारी कवि गंग ने एक कविता के माध्यम से कहा था, माँ कहे मेरा पुत सपूत है, बहन कहे मेरो सुंदरा भैया, पिता कहे मेरा है कुलदीपक, लोक में आज अधिक भड़ैया, पत्नी कहे मेरो प्राण प्यारो, जिनकी जाके मैं लेहू बलैया। कवि गंग कहे, सुनो राजा अकबर, इनकी सभी की गांठी सफेद रुपया। अर्थात माता अपने पुत्र के प्रति कहती है, मेरा पुत्र अपने पुत्र धर्म का पालन करवा करता है व आज्ञाकारी है। बहन कहती है, मेरा भाई बहुत ही प्रिय व सुंदर है। पिता कहते हैं, मेरा पुत्र मेरा वंश बढ़ाकर संसार में मेरा नाम बढ़ाकर मेरे कुल का उजाला बनेगा। वह पत्नी कहती है, मेरे पति मेरे प्राणों से अधिक प्रिय है, जिनके लिए मैं अपना स्वर्व निछावर कर सकती हूँ। ये सुनाते हुए दरबारी कवि गंग राजा अकबर से कहते हैं, ये सभी रिश्ते धन से सिंचित है, वह धन से इन रिश्तों की गांठ जुड़ी है। अर्थात धन नहीं तो रिश्ते निश्चित ही टूट जाएंगे। ये कहते हुए पंचम दिवस की कथा को समाप्त करते हुए आरती कर प्रसाद वितरण कर कथा को विराम दिया गया। इस मौके पर मुख्य यजमान राजकुमार त्रिवेदी, संयोजक राम भीख त्रिवेदी, राजकरण सिंह, द्वारिका प्रसाद त्रिपाठी, शुभम सिंह, रमेश अवस्थी, मोहम्मद अली व कन्या कई सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जी हाँ, वृंदावन में आकर खरस्तिया में श्री कृष्ण की मनमोहक कथा सुनाकर पंडाल में बैठे श्रद्धालु को कथा सुनकर मंत्र मुग्ध करने वाले व अपने भजन पर लोगों को झुमाने पर मजबूर करने वाले श्रीमद् भागवत कथा के प्रसिद्ध कथावाचक श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज आपके अपने बाराबंकी जिले के तहसील हैदरगढ़ ग्राम सीठुमऊ पोस्ट सालपुर के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार विपिन बिहारी दास जी महाराज जी अब जब 10 वर्ष के थे तो उनके घर के बगल में श्री शशि शेखर जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने आए थे, जिनकी जन्मभूमि गोंडा थी व अयोध्या के किसी मंदिर में निवास करते थे। विपिन बिहारी जी उनकी कथा पूरी श्रद्धा से सुनते थे। जिस दिन उस कथा का समापन हुआ तो वो कथावाचक महाराज श्री शशि शेखर जी महाराज को अपना गुरु मानकर उनके साथ चलने की जिद करने लगे। तब कथावाचक महाराज जी ने कहा, आप अपने माता पिता से मुलाकात कराओ व उनकी आज्ञा से ले चलने की स्वीकृति दी। लेकिन विपिन बिहारी के माता पिता ने जाने से इनकार कर दिया, लेकिन विपिन बिहारी जी के मन से वो भक्ति और गुरुकुल जाने की इच्छा उनके माता पिता नहीं खत्म कर सके। कथावाचक महाराज श्री शशि शेखर जी से विपिन बिहारी ने उनका पता व फोन नंबर ले लिया। वह कथावाचक महाराज जी सीठुमऊ गांव से अयोध्या प्रस्थान कर गए। एक दिन बगैर किसी से बताए विपिन बिहारी जी महाराज के बताए हुए पते के माध्यम से फोन कर महाराज शशि शेखर के आश्रम पहुंच गए, जहां पर महाराज शशि शेखर ने विपिन बिहारी की ईश्वर से प्रति आस्था व गुरुकुल की शिक्षा की भरपूर लालसा देखते हुए अयोध्या में आचार्य श्री राम अवतार दास जी महाराज के आश्रम में शिक्षा पाने के लिए छोड़ दिया, जहाँ श्री राम अवतार दास जी महाराज के सानिध्य में 5 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण कर 15 वर्ष की आयु में आगे की शिक्षा ग्रहण करने श्री ऋषि कुमार दास जी महाराज के पास हनुमान टेकड़ी वृंदावन मथुरा चले गए, जहाँ पर ऋषि कुमार दास जी महाराज की कृपा प्राप्त कर सानिध्यता में कई सालों तक शिक्षा ग्रहण कर संत श्री विपिन बिहारी दास जी के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा कही गई श्रीमद् भागवत कथा सुनकर सुनने वाले समस्त श्रेतागण मंत्रमुग्ध होकर भक्ति में विलीन हो जाते हैं। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे M4U न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं और हमारे M4U न्यूज चैनल पर समाचार एवं विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर
4565 7566 पर।